हेलो 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 स्टूडेंट्स, मैं सुजीत, आप सभी का अपने चैनल पढ़ाई हेल्पर पर स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CHS या अदर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे स्टूडेंट जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डालें तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन साथियों तक तो शेयर करो जो नवोदय विद्यालय, CHS, सैनिक स्कूल या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, देर ना करते हुए हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 5:6 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 11:9। तो हमें ए रेशियो डी की वैल्यू पूछा है, ठीक, ए रेशियो डी की वैल्यू पूछा है। तो देखो, इसको आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ए बाई बी, वो ए बाई बी की वैल्यू दिया है 3:4, बी बाई सी की वैल्यू दिया है 5:6 और सी बाई डी की वैल्यू दिया है कितना, 11:9। देखो, यहाँ बी 4 है, यहाँ बी कितना है, 5 है, तो बी को हम कितना बनाएंगे, इन दोनों का ऐसा बनाओ कि 5 और 4 दोनों में कॉमन मिले, तो 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 20। तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बाई बी यहाँ से कितना हो जाएगा, 15/20। बी बाई सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे ना, 20/24। अब देखो, बी बी बराबर हो गया, यहाँ पे सी 24 हो गया, यहाँ पे सी कितना है भाई साहब, 11 है, कितना है, 11/9। अब सी को इक्वल करोगे क्योंकि यहाँ पे सी क्या है, ठीक ना, या आप यहीं से डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर यहाँ से देखो तो अभी नहीं हो पाएगा, सी को इक्वल करना पड़ेगा। जब सी आप इक्वल करोगे तो सी आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखो सी यहाँ पे आपका बी वाले में कितना देता, 5, चलो ठीक है 6, चलो ठीक है 24 और 11 का एलसीएम लोगे तो 24 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 22 चार 28, 284, ठीक ना। तो 284 सी को करने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से, और इसको करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 24 से, ठीक, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22 चार 26, ये हो जाएगा 9 चौक 36, 11 दूनी 18, 18 3 21, 216। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 11:00, 11 दूनी 22, 11 से 44, 11 दूनी 22 23 24। लेकिन हमारे पास ए रेशियो डी की वैल्यू पूछा है, तो ए का मान हमारे पास कितना रहा है, 15, और डी का मान कितना रहा है, 216। 6 2 8, 6 1 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 7 21, 5:72। तो इसका आंसर कितना आएगा, 5:72, किसी ऑप्शन में दिया है, देखो किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका देखो जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इससे पहले भी कई बार किया, इसका जो फर्स्ट में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक ना, 5:72 किसी भी मैच नहीं कर रहा है, इसी वजह से इसमें देखो ये 55 दिया है, और ये 5:72 देता तो हम बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर बी या 55/72 ये पूरा पूरा गलत है, ठीक ना, 5:72 होगा, 5:72, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोला है एरिया ऑफ 3 सर्किल आर इन रेशियो इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखो, एरिया सर्किल का रेडियस, एरिया का फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर वन स्क्वायर दूसरे का कितना होगा, पाई आर टू स्क्वायर तीसरे का कितना होगा, पाई आर थ्री स्क्वायर। पाई तो सब में सेम है, सब में पाई गायब कर दो। अब देखो, ये सबका एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो का मतलब रेडियस का स्क्वायर है। 4 का कितना हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो रेडियस का रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियस तो क्या होगा, 2:3:5, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिवाइड करना है 1:3:3 इन रेशियो 1:1/3:1/4, इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, जैसे मान लो हमारे पास 100 रुपया है और इसको हम मान लो 1:4 में डिवाइड करना है, तो एक को 25 रुपया देंगे, हाँ
पाँच बीस, एक को 20 रुपया देंगे, एक को 80 रुपया देंगे, यानी हम दोनों को जोड़ के अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वही काम करते हैं हम, इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ोगे तो एक्स बाई थ्री, एक्स से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, प्लस एक्स बाई फोर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4x+3x, तो ये आपका हो जाएगा 7x हो जाएगा। देखो इसको, इसको लिख दोगे 133 = 7x/12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 133 × 12/7 = 1, 7 से इसको कटा दो, 7 × 7 = 7, 9 = 12 से इसको कटा दो, 9 × 8 = 8, 12 × 12 = 10, 22 = x। फिर एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 228। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर रख दो एक्स की जगह पे 228, ये 228/3, ये कट के कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18, 76। और दूसरी बारी 1/4, यानी 1/4 करोगे, यानी 228/4 करोगे, ये आपको हो जाएगा 4 × 5 = 20, 6 × 7 = 57, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये नेट और ये हजारीबाग का जो स्कूल होता है उसमें पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न कुछ नहीं दिया, तो आप क्या मान लोगे एक्स, ठीक ना, तो बाहर बाहर वाले को मल्टीप्लाई कर लोगे, या ऐसे कर सकते हो 12/48 = 16/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कभी भी ऐसा सवाल आता है तो 12 × x = 48 × 16। देखो एक्स इक्वल टू डिवाइड करोगे इसमें 12 से डिवाइड कर दो, 4 बार जाएगा, 16 में 4 से करोगे कितना होगा 64। देखो ये 2 साल में पूछा हुआ सवाल है, 2009 में भी पूछा है, 2010 में भी पूछा है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे एक्स लेट कर लोगे, अब देखो क्या कर लोगे, 9 × x, ठीक ना, इसका बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई, दोनों अंदर बीच वाले का मल्टीप्लाई, इक्वल टू 27 × 27, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 27 × 27/9, 3 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे कितना होगा 81, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा रेशियो दिया है, सेम वही काम करोगे आप लोग, क्या करोगे, इसको एक्स लेट कर लोगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर लो, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे तुम लोगों का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 122 × x = 170 × 290, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 170 × 290/122, इसको कटा सकते हो चाहो तो, कट जाएगा देखो 145, कितनी बार में कटेगा, ये कट जाएगा 2 6 12 2 1 61, ठीक ना। अब हमारा काम क्या होगा कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 170 से, 0 0 0 7 5 35 24 28 3 31 7 1 7 10, ठीक, 1 से कर देते हैं 155 144 111, समझे, 0 5 5 1 6 4 1 1 2, आपका हो जाएगा 2 4 6 5 0, हो गया। और इसमें अब हमें कितने से डिवाइड करना है, 61 से, कितने से, 61, 4 बार ले चलोगे, 4 × 4 = 24, ये कट जाएगा 250, ठीक ना। अब देखो दो कितने अंक उतारे हम लोग, 2 5 उतारे नहीं गया, 0 2 अंक उतारे, 1 0 लगाना पड़ेगा। अब देखो 4 बार ले सकते हो, 4 × 4 = 24, 6 कट जाएगा, ये पॉइंट लगाओगे 0 नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे आप क्या मानेंगे एक्स, ठीक ना, क्या करेंगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, 11 × x = 17 × 19 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा 17 × 19/11, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 17 में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 7 7 1 1 1, 3 7 5 12, 1 1 2 1 3, कितना हो जाएगा 323/11, इसको डिवाइड कर दो,
323 में 11 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा 11 दूनी 22, 0 3 में से 2 जाएगा 1, 3 ये कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। ये देखो 13 में से 9 जाएगा 4, कट जाएगा 0, पॉइंट लगा दो कितनी बार जाएगा 11, 29.3। ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ डजन टू अ स्कूल। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो ये बार बार पूछा जाता है आपका। ठीक ना, देखो 1 स्कोर में 20 आर्टिकल होता है, कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल। अब 1 डजन में कितना आर्टिकल होता है, 12। हमें रेशियो बताना है कितने का, डजन टू स्कोर, डजन का मतलब 12, स्क्वायर स्कोर का मतलब 20, इसको कटा दोगे 4 3 12, 4 5 20, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3:5, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोला 5:4 इज इक्वेलेंट टू। देखो 5:4 किसके इक्वेलेंट है, इसको परसेंटेज में अगर चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्या करो कटाओगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 पे 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 125%। ऑप्शन देखते हैं किस चीज में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कभी भी रेशियो दे आप पूछे उसका, अगर क्या करोगे परसेंटेज में ऑप्शन दिया होगा तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द साइड एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं उनसे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। देखो ये स्क्वायर हो गया, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सारे साइड कितनी होती है स्क्वायर की, इक्वल होती है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, पाइथागोरस थ्योरम, ये डायगोनल हुआ। अब एक बात बताइए आपको आता है ना, ये जब ये 90 डिग्री एंगल होता है तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस भी ए है परपेंडिकुलर भी ए है, ये आपका हो जाएगा 2a² एच निकालोगे तो क्या होगा रूट में 2a², यानी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर में से क्या बाहर आया, ए रूट का 2, तो डायगोनल ये हो गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ साइड एंड द डायगोनल, पहले साइड, साइड का मतलब ए, डायगोनल का मतलब a/√2, ए से कट जाएगा क्या आएगा 1/√2, यानी 1:√2। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझे। देखते हैं क्वेश्चन 11 में, देखो इन्होंने क्या बोला है, x:y दिया है कितना, 5:7, y:z दिया है 8:9, तो x y z की वैल्यू बतानी है। ठीक ना, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। देखिए कैसे करेंगे आपको, सबसे पहले आप लिखो कि x x अपन y कितना दिया है, x अपन y दिया है आपका 5/7। अब देखो y अपन z कितना दिया है, 8/9। एक बात यहाँ y 7 है, y 8 है, 7 और 8 का एलसीएम निकालोगे, 7 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 56। इसको 56 करना होगा तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको 56 करना होगा तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कोई दिक्कत, 8 5 जब 40, 8 7 जब 56, 8 7 जब 56 और 9 7 जब 63। तो देखो ए की वैल्यू कितनी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 46। x:y:z आपको बताना है, x की वैल्यू कितनी है, 46, y की रेशियो कितनी है, 56, और z की रेशियो कितनी है, 63। तो आपका इसका राइट आंसर क्या रहा है, 46, 56 और 63, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रेशियो ऑफ 250 ग्राम टू 5 किलो। देखो ये ग्राम में है और ये क्या है, किलोग्राम में है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, तो इसमें 5 किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। 5 किलोग्राम में कितना होगा, 5 × 1000 कितना हो जाएगा, 5000 ग्राम। इन दोनों का रेशियो निकालोगे, 250/5000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना होगा, 1/20 कितना होगा, 1/20, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़िए आप,
इसमें देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया है। देखिए जो हम बीच में इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस क्वेश्चन को ये प्रपोर्शन जो होता है ना इसको इक्वल टू भी लिखते हैं हम लोग, वही लिख दिया है यहाँ पे। फिर आपको घबराना नहीं इस बात को लेके, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स इंटू 11 इक्वल टू 6 इंटू का 55, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू 6 इंटू का 55 अपन में 11, ये 5 बार में कट जाएगा। 6 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 30, कितना होगा 30, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोला द रेशियो ऑफ द इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज इक्वल टू इतना, ठीक ना। इनकम और एक्सपेंडिचर यानी ये इतनी इनकम है और ये क्या है खर्च है। इफ द इनकम इज इतना देन फाइंड द सेविंग ऑफ द फैमिली, ठीक ना। हमें क्या बताना है, सेविंग बतानी है, ठीक है। आप सबसे पहले लिखोगे इनकम एक्सपेंडिचर, ये 7/6 इक्वल टू, इफ द इनकम दिया है तुम्हारा 1400, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर एक्स मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × x इक्वल टू 1400 × 6, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे 200, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपये वो क्या कर देगा, खर्च कर देगा, ठीक ना। 1200 रुपये खर्च कर दिया, और इतना 1400 कमाया, 1200 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 1400, सेविंग पूछा गया है ना, तो इतना कमाया इतना खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, कितना बचाएगा देखो 200, कितना बचाएगा 200, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:3:2 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो एक ट्रायंगल जो होता है आपको पता है इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, 180 इन तीनों को ऐड कर दो एक्स लगा के, इसको लिखोगे 4x+3x+2x इक्वल टू 180, 4 × 3 = 9x इक्वल टू 180, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपन में 9, कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा एंगल ये वाला है ना 2x, तो 2x में क्या करो 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर बड़ा सा पूछता तो कितना लिखते 4 × 20, कितना बड़ा वाला एंगल कितना हो जाता 80 डिग्री, समझ रहे हो। आइए बीच वाला कितना हो जाएगा 60, तीनों को ऐड करोगे तो देखो 180 आ रहा है, 8 × 4 = 12 = 6 = 18 आ रहा है ना, तो लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा गया है तो क्या लगा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ 75 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:5:7 देन फाइंड द ग्रेटर पार्ट, ग्रेटर पार्ट ये वाला होगा, तो देखो सबको जोड़ दो 3x+5x+7x इक्वल टू 75, 7 × 5 = 12 × 3 = 15x इक्वल टू 75, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 अपन में 15, ये कटना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सबसे बड़ी भाग पूछा है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग 7x है, 7 × 5 कितना हो जाएगा ये 35, कितना हो जाएगा 35, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें बोला है व्हाट इज द फोर्थ टर्म, ठीक ना, फोर्थ टर्म पूछा गया है, तीन टर्म दिया गया है, तो आप इसलिए कर लोगे 3:4, ठीक ना, प्रोपोर्शन 12, फोर्थ टर्म पूछा गया है एक्स लगा दोगे, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर अंदर का, 3 × x = 4 × 12, ये हो जाएगा, 3 से इधर डिवाइड कर दोगे 4 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4×4 = 16, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच इज ग्रेटर, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, आपको सिंपल सा फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो फ्रैक्शन वाला आप कैसे करोगे, 4×2 = कितना होगा 8, 3×3 = कितना होगा 9, बड़ा आ रहा है इधर वाला, ये वाला चीज़ें क्या होंगी, ये वाली चीज़ बड़ी होंगी, 3/4 कितनी होंगी, 3/4 क्या होगा बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोला इफ द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:5 एंड द एजेज ऑफ बी इज 40 ईयर देन फाइंड द एज ऑफ ए। देखो ए और बी के एज का रेशियो कितना दिया भाई साहब 3/5, और किसका ए का पूछा है, ए का हम एक्स मान लेते हैं और बी का कितना दिया है 40, ये दिया है, तो आप लोग ऐसे सवाल को कभी भी ऐसे ही करना, एक्स अपन 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x × 5 = 40 × 3, समझे, इसका कितना लिख रहे हो x × 5 = 40 × 3, ये हो जाएगा x = 40 × 3 / 5,
8 बार में कट जाएगा, 8 3 जा 24। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। देखो तभी ना आपका रेशियो हो पाएगा। देखो ये 24 हो जाएगा ए, अभी कितना है 40, कटाओगे तो हो जाएगा ना 8 3 जा 24, 8 5 जा 42, आ जाएगा ये वाला रेशियो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बाई बी इक्वल टू दिया है 2/3, बी बाई सी इक्वल टू दिया है 4/5। तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी बताना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, यहाँ बी 3 दिया है, या बी कितना दिया है 4 दिया है। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। इसका एलसीएम निकालोगे तो 12 होगा, तो इसको 12 बनाओ। 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से इसको करोगे तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, यहाँ भी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। हमें बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का मान 8, बी का मान 12, सी का मान 15, आ जाएगा 8:12:15, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हो मिलिट्री स्कूल में पूछा हुआ सवाल है, वो भी 2010 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन आपको बताना है। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दो, अंदर अंदर का कर दो, 2 × x। देखो मिलिट्री स्कूल में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 में। एक्स इक्वल टू कितना होगा 40/2, ये कट के कितना हो जाएगा बाबू 20। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसमें बोला है द रेशियो ऑफ टू एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बोथ एक्यूट एंगल। देखो ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो एंगल मान लो है कितना हो गया 90 डिग्री, राइट एंगल बोला है ना, एक एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और 2 का रेशियो दिया 4:5, तो ये 90 हो गया। इन दोनों का सम कितना बचेगा? तीनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम अब कितना होगा 90। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करके 90 के इक्वल रख दो, तो 4x+5x=90। इन दोनों को ऐड करो कितना होगा 9x=90। एक्स इक्वल टू कितना होगा 90/9, कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया। अब देखो एक एंगल हमारा कितना है 4x, 4x है, यानी 4 × 10 कितना हो जाएगा 40। दूसरा एंगल कितना है 5x, यानी 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो 40 और 50 इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं हम लोग। ये परसेंटेज में पूछा है, ठीक ना, सैनिक स्कूल 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लासिक्स में। 11/200 को किस में पूछा है? परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में अगर तुम्हें पता है ना, किसी बच्चे का मान लो 200 नंबर का पेपर हो, उसे 11 मार्क्स मिले, परसेंटेज बताना होता है, तो हम लोग ऐसे लिख के 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 11/2%। इसको क्या लिख सकते हो 5 4 1/2। 11 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा 10, 1 कट जाएगा, क्या होगा? ये होल में होता है, ये ऊपर होता है, और ये क्या होता है नीचे, तो होल में ये ऊपर और ये नीचे परसेंट। ऑप्शन नंबर सी। द रेशियो एम रेशियो एन इज सेम एज, जैसे मान लेते हैं एम रेशियो सेम इनमें से किसके बराबर है, ठीक ना। देखो एम रेशियो सेम, जैसे मान लो हमारे पास क्या है 2:3 है, ठीक ना। अगर इसका स्क्वायर करोगे एम स्क्वायर अपन में एन स्क्वायर, तो कितना होगा 4/9। अब देखो 2/3 और 4/9 इक्वल है, मल्टीप्लाई करो, 9 × 2 कितना हो जाएगा 18 होगा, 3×4 कितना हो जाएगा 12, नहीं है, ठीक ना। अगर देखो दोनों में सेम चीज़ें जोड़ देते हो, जैसे 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ दिए कितना हो जाएगा 4/2 × 3/4, ये भी नहीं होगा। अगर देखो एम रेशियो एन है, यानी एम मेरे को मान लेते हैं, एम रेशियो एन मान लें 2/3, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स को मान लेते हैं 2, ठीक ना। तो 2×2 = 4 और 2×3 = 6, और पहले कितना था तुम्हारा 2:2/3 = 4:6। अब देखो 6×2 = 12 और 4×3 = 12 इक्वल आ रहा है ना, इसलिए राइट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल याद करके रखना, टिक लगा के रखना, और इसको देख रहे हो बीएड में पूछा गया है, जो समझते हो ना, जो शिक्षक पात्रता के लिए जो पेपर एग्जाम होता है उसमें पूछा गया, तो सोच सकते हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा उम्मीद बनता है कि आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम या सैनिक स्कूल में पूछा जाए, ठीक ना। तो इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि एम रेशियो एन किसके इक्वल होता है। इसमें हम लोग एम में किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, और एन में भी उसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रेशियो बदलती नहीं है,
स्क्वायर करने पे बदल जाती है, लेकिन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो नहीं बदलती है। ऐड करने पे भी बदल जाती है, सब्ट्रैक्ट करने पे भी बदल जाती है। क्यों, किस पे नहीं बदलती है? मल्टीप्लाई करने पे। देखो दिया है द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ गोडाउन आर इतना। मान लेते हैं कोई गोडाउन है, ऐसा रेक्टेंगुलर में है, लेंथ ब्रीथ दिया है, तो ये 6 दिया है, ये 5 दिया है। आ गोडाउन की एरिया दे दिया है 200। मानते हैं इसकी लेंथ 6x है, 5x है। आपको एरिया पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोगों को फार्मूला पता है, रेक्टेंगल की एरिया आप कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितने दिया है भाई साहब, 6x, और ब्रेथ कितने दिया है, 5x। मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 30x2। अब बताओ ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों इक्वल होगा, तो 30x2 = 270। ये से कट जाएगा, ये से तुम्हारा कितनी हो जाएगा, 3 से कटाओगे कितना होगा, 9। x2 = कितना होगा, 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±3, कितनी हो जाएगी, 3। ये तुम्हारी लेंथ हो जाएगी 3 × 6 = 18, ये हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो देखो हमसे क्या, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ गो डाउन एंड रेशियो इफ द सर्फेस, इतना हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। देन ब्रेथ इज, ब्रेथ कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो ये ब्रेथ कितना आ रहा है, 15, कितना आ रहा है, 15। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो जवाहर नवोदय विद्यालय 2000 एग्जाम में पूछा, 2001 में पूछा गया सवाल है, व्हाट विल बी द मिडिल प्रोपोर्शन ऑफ इतना। कभी भी मिडिल प्रोपोर्शन बोलता है तो हम लोग इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक ना। कभी भी मिडिल प्रोपोर्शन बोलेगा दो संख्याओं के बीच का, तो उसका फार्मूला होता है रूट में ए बी। तो रूट ए बी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 144। 144 की वैल्यू कितनी होती है, 12। क्या होती है, 12। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ परवीन एंड कुलदीप इज इतना। इफ द परवीन राइट 60 पेजेस अ डे, देन हाउ पेजेस फॉर कुलदीप राइट। देखो इसको बहुत ही आसान सवाल है, इसको करने में कुछ नहीं है। देखो इसको लिख दो, परवीन परवीन अपन कुलदीप = 3/2 = परवीन राइट्स 60 पेज, 60 पेज लिखता है, और इसको मान लेते हैं एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ये तो 3 × x = 60 × 2, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3 से डिवाइड कर दोगे 20 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 पेज, कितना हो जाएगा, 40 पेज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ठीक ना। देखो इसमें बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कर दो, 45 × 2 = x × 3, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 = x × 3। 90/3 = क्या हो जाएगा, x, ये कितनी बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 30। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए रेशियो बी इक्वल टू इतना, बी रेशियो सी इक्वल टू इतना, ए रेशियो सी पूछा है हमसे। देखो कभी भी आपको बता रहे हैं, ए बाई बी हमें दिया है भाई साहब 2/3, बी बाई सी हमको दिया है 4/5। देखो ये 4 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, हम दोनों को बराबर बनाएंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। 12 बनाने के लिए हम लोग यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए हम लोग यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये करोगे तो 4 × 2 = 8, ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, और यहाँ आ जाएगा 4 × 3 = 12, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। तो हमसे ए रेशियो सी पूछा है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 8, और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 15। तो 8:15, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ए रेशियो बी इतना, बी रेशियो सी इतना, सी रेशियो डी इतना, तो डी रेशियो ई इक्वल टू इतना, देन फाइंड ए रेशियो ई, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग लिखोगे ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू डी बाई ई इक्वल टू 5/9 × 4/3 × 2/3 × 2/5, 1, 2, 3, 4। अब देखो बी से बी, सी से सी, डी से डी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बाई ई। अब देखो इसमें कटा कर देखो, कुछ कटता है तो 5 से 5 कट जा रहा है, और कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 × 8 = 16, 3 × 3 = 89, 81, ये क्या बच रहा है तुम लोगों का, 81। तो ए, ये ई बच रहा है ना, ए बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16/81। तो
ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि वो सबकी रेशियो को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, सारे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके सामने इसका आंसर चला आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है और आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो इसमें दिया है x/2 = y/3 = z/5। हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, के इक्वल है, किसके इक्वल है, के इक्वल है, समझ रहे हो बात को। तो ये हो जाएगा x/2 = k, तो ये हो जाएगा x = 2k हो जाएगा, वैसे y = हो जाएगा 3k, वैसे ही z = हो जाएगा 5k। ये रख दो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, x+y कितना हो जाएगा 2k, 5k माइनस का 5k हो जाएगा ना। x के जगह पे क्या रखोगे 2k, प्लस y की जगह पे क्या रखोगे 3k, z कितना होगा माइनस का 5k, ठीक। ये 3 2 5, 5k माइनस 5k, ऊपर कितना हो जाएगा 0, नीचे ऐड करो x माइनस वाई, 2k में से माइनस 3k करोगे क्या बचेगा, माइनस का k प्लस का 5k, कितना हो जाएगा 0/4k। इसको कटाओगे क्या आ जाएगा 0, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इसमें बोला है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर देन द रेशियो बिकम इतना, फाइंड द सेकेंड नंबर। देखो दो नंबर का रेशियो दिया 5:9, ये आपका रेशियो है 5:9, ठीक ना। इसमें हम लोग कितना ऐड करना है, 9 ऐड करना है। हम मान लेते हैं 5x/9x, ये हमारा है, हम लोग इसमें कितना ऐड कर दिए, 9, 9 ऐड कर दिए, ये कितना बन जाता है 16:27, कितना बन जाता है 16:27, ठीक ना। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आखिर में, ठीक ना, आ जाएगी एक्स की वैल्यू, यानी हमें नंबर पता चल जाएगा। करो 27 में 5 7 35, 5 2 10 3 13, एक्स प्लस 9 7 63, 9 2 18, 18 18 6 24 इक्वल टू 16 9 144, एक्स प्लस 16 9 144, ये हो जाएगा 9 7 63, 9 2 18 18 18 6 24। अब देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9x इक्वल टू 144 में से माइनस कर दो 243, तो 13 में से 4 जाएगा 9, 3 में से, फिर यहाँ 3 बचेगा, 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं 99। तो हमारा माइनस करने के बाद क्या आया है यहाँ पे, -9x = 99, माइनस कर, माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स कट क्या हो जाएगा 11। हमें छोटा नंबर पूछा है, फाइंड द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर 9, तो कितना हो जाएगा 9x 9 × 11, कितना हो जाएगा 99, कितना हो जाएगा 99, ठीक ना। यहाँ पे हमें जोड़ने को बोला था, इसलिए हमने 5x में भी 9 जोड़ दिया, नीचे भी जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जो रेशियो था 16:27 हो जा रहा था। क्रॉस मल्टीप्लाई किए इतना आया, एक्स को पास में एक्स के साथ ले गए, अंक को अंक के पास में ले जाएंगे, घटाए सब्ट्रैक्ट किए और इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, बड़ी नंबर ये, अगर छोटा नंबर पूछता तो कितना आ जाता, ये तुम्हारा 5 था तो 55 हो जाता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें बोला है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर सम इज इतना देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो इन दोनों रेशियो दिया है और इसका सम भी दिया है इतना, तो आप कर लोगे इसको, देखो कैसे करोगे आप लोग, 3x + 4x = 4:0 एंड जोड़ दो 7x = 4:0, एक्स इक्वल टू क्या होगा 4:0/7, ये कट के कितना हो जाएगा 60, हो जाएगा 60। अब 60 हो गया तो हमसे क्या पूछा है इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4x होगा, तो 4 × 60 कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 240, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो बात को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज इतना एंड देयर एचसीएफ इज 12 देन फाइंड द नंबर, ठीक ना। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा अच्छा है और इस क्वेश्चन को करना, देखो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक ना, ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हो, ये RRB यानी रेलवे इलाहाबाद में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ठीक ना। देखो इसमें जो है 12 24 और 36, इनका ही एचसीएफ क्या आएगा 12 आएगा,
ठीक ना। और इनका रेशियो भी देखोगे यहाँ पे, देखो जो 12:24 है तो इनका रेशियो देखोगे ना, 12:24:36, देखो कट जाएगा 1:2:3। अब देखो ये जो कट जाएगा, कट के आ जाएगा 1:2:3, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देन फाइंड द नंबर्स, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगर देखो सॉल्व करने का आपको तरीका नहीं पता होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन जैसे इसको कटाओगे तो 1:2:3 आएगा, लेकिन एच सी एफ इसका 4 12 नहीं आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका एच सी एफ 5 आएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका एच सी एफ 10 आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। देखो ये बोला गया 35, इफ द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्किल इज इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। देखो एरिया सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पहला सर्किल का मान होता है पाई आर वन स्क्वायर, दूसरी का पाई आर टू स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा तो क्या, बस रेशियो रेडियस पे डिपेंड करता है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 16:25, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36, टू नंबर्स आर रेशियो 3:5 इफ देयर प्रोडक्ट आप एच सी एफ एंड एल सी एम इतना, देन फाइंड। देखो आप लोग को पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एल सी एम इंटू का एच सी एफ, ये दिया गया है, एल सी एम एच सी एफ का मल्टीप्लाई दिया गया है, और ये नंबर भी दी गई है 3x इंटू 4x, ये हो जाएगा 4 * 12 x² 2 * 0 = 8, 12 से इसको कटा दो, 12 * 1 = 12, 8 बचेगा, 12 * 6 = 72, 8 बचेगा, इसको कटाओ 2 * 0 = 8, 12 * 1 = 12, 10 में से 2 जाएगा 8, कट जाएगा 2, 12 * 6 = 72, 12 * 6 = 72, 8 में 7 गिले 1, 8 * 1 = 169, कितना होगा x² = 169, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 169, यानी कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, तो इसमें देन फाइंड देयर सम, सम बताना है, ये हो जाएगा 13 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 39, 13 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 52, ऐड कर दो दोनों को, 9 * 2 = 11, 5 * 3 = 8 = 91, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझे। क्वेश्चन नंबर 37 आप लोग कीजिए, 37 में ए की वैल्यू इतनी दिया है, बी की वैल्यू इतनी दिया है, ठीक ना, ऑफ सी, देन फाइंड ए रेशियो सी एंड बी इज 5/2 ऑफ सी, ए इक्वल टू 4/5 ऑफ बी एंड बी इक्वल टू, तो लेट कर लो, लेट बी इक्वल टू एक्स, तो ये ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5 इंटू का एक्स, ये हो जाएगा 4x/5, ये हो जाएगा, और बी आपको कितना पता है एक्स, बी हमने क्या माना है एक्स इक्वल टू 5/2 ऑफ सी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2x/5 कट सी हो जाएगा, देन फाइंड ए रेशियो सी, तो ए ऊपर रख दो सी नीचे रख दो 2x/5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है अभी रेशियो का मतलब, तो ये हो जाएगा 4x/5 * 5/2, 5 से 5 कट जाएगा एक्स, दो दोनों के साथ 2:1, ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, समझ रहे हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, देख सकते हो ना एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बोला है द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू स्पेयर इक्वल टू इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वैल्यू, ठीक। देखो सरफेस एरिया इसका स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसको यूज करोगे तो देखो यहाँ से स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4 πr² के आसपास होता है, इसका रेडियस यहाँ तो निकल जाएगा 2, और दूसरी की रेडियस कितनी आ जाएगा 3, अब वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो आर क्यूब करोगे 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का क्यूब करोगे 27, 8:27, यानी इसका क्यूब का रेशियो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ रहे हो बात को, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बाई बी इतना दिया है, बी बाई सी इतना दिया है, सी बाई डी इतना दिया है, तो हमें ए बाई डी बताना है, इसको सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, सबको कटा सकते हैं यहाँ पे, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी इंटू, तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा ए बाई
डी। यहाँ हो जाएगा 3/4 इंटू 8/9 इंटू 12/13। देखो कट रहा है उसे कटा दो, 8/9 है, 4 से 4 2 जा 12 8, और 3 4 जा 9, 3 3 जा 12 3 3 जा 9 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 8 रेशियो 13। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 39 हम लोग ऊपर किए हैं, 8 रेशियो 13 आया है, ठीक ना। इसमें बोला है द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सरिता एंड वन इज इतना, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज इतना, द रेशियो ऑफ द एजेस आफ्टर 8 ईयर विल बी, ठीक ना। बोला है कि बनी सरिता और बनी का जो एज का रेशियो है वो क्या है भाई साहब? 4:3, और उनका सम कितना है? इतना है। तो हमें उनकी एज का रेशियो बताना है 8 साल बाद। तो क्या करोगे आप? दोनों को ऐड कर दोगे, 4x + 3x = 42, ठीक ना। सम है तो सम कर देंगे हम लोग, दोनों को ऐड करोगे क्या होगा? 7x = 42, x = क्या आ जाएगा? 6, 6 हो गया। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? 24। इसकी एज कितनी हो जाएगी? 18। अब देखो 8 साल बाद दोनों की इसकी एज कितनी हो जाएगी? 24 + 8 कितना हो जाएगा? 32। इसकी 8 साल बाद एज कितनी हो जाएगी? 18 + 8 कितना हो जाएगा? 26। इसको कटा दो, 16/13। इसका राइट आंसर क्या होगा? 16:13। 16:13 ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो इसी टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए और बहुत ज़्यादा हर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए और अपनी प्रिपरेशन को चेकआउट करने के लिए कितना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करा रहे हैं, जो चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स की वीडियो और सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एग्जाम से पहले पहले, चाहे वो आप किसी भी चैप्टर की बात करो। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को